नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू ईट ऑथेंटिक केरला स्टाइल फूड। सो आई स्टे इन वेस्टर्न लाइन एंड इधर केरला फूड इज टू एक्सपेंसिव। लाइक फॉर लंच एंड डिनर इट कॉस्ट 800 to 900 rupees हियर। सो आई एम गोइंग टू अ फेमस प्लेस इन माटुंगा विच सर्व्स द थाली इन जस्ट 250 rupees। सो या, लेट्स गो। And guess what? We are going to eat on banana leaf. So as you can see, just outside Matunga station, आपको उदुपी श्री कृष्ण भोजनालय मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो वहाँ के locals को पूछ लेना। यहाँ पे first floor पर उनका भोजनालय है। यहाँ पे per plate का price है 275 rupees। यहाँ पर enter होते ही मुझे इतना positive vibe आया, plus यहाँ के staff भी इतने sweet and polite है। मैं यहाँ पर संडे को गई थी एंड संडे को there is only lunch available। बाकी days में आपको lunch and dinner दोनों available हो जाएगा। Also Monday को इनका ये रेस्टोरेंट बंद रहता है। चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खाया। पहले ये नमक, फिर ये खट्टा अचार, फिर ये गोभी का सब्जी था, उसके बाद ये भिंडी का रस्से वाला सब्जी, और फिर ये आलू का सब्जी था। देन उन्होंने मेरे को चावल दिया और चावल में उन्होंने प्योर देसी घी डाला बहुत सारा, और ये पूरी, और ये फिर सांभर और रसम है। ऑल्सो अगर यहाँ पर आप सांभर और रसम वेस्ट छोड़ रहे हो तो आपको 20 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। देन उन्होंने मेरे को पापड़ सर्व किया और रोटी सर्व किया, और ये कच्चे केले का भाजी भी है उधर थोड़ा सा। ये मेरा फुल थाली था। और फिर यहाँ पे आप एक स्वीट ले सकते हो, मैंने लिया था श्रीखंड। साथ ही में उन्होंने मुझे छाछ और दही भी दिया था। साउथ इंडियन लोग अपना खाने को खाने से पहले ऐसे ही प्रणाम करते हैं। ऑल्सो मैं जब भी घर पे होती हूँ मैं हाथ से ही खाना खाती हूँ, और मुझे इधर घर जैसा वाइब आ रहा था। दिस वॉज स्टार्टेड बाय माय फादर ए राम नाइक। वो जब बम्बई में आया तभी टीनेजर था, टीनेजर तो उसको खाने का जितना तकलीफ हो गया, उसके वजह से उसको मालूम गिरा कि अगर होटल करना है हमारे आदमी लोगों के लिए, तो उन्होंने पहले रेस्टोरेंट में काम करते थे फोर्ट में, बाद में ये 1942 में ये होटल चालू किया। इट इज़ फर्स्ट उडुपी होटल इन मुंबई। उसके पहले बम्बई में उडुपी होटल ऐसा नहीं था। हम लोग कर्नाटक से आया, उस टाइम कर्नाटका भी नहीं था, ये बॉम्बे प्रोविंस बोलता था, वो मैसूर प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस ऐसा करके, वहाँ से वो बोट में आ गए। और हमारे आदमी लोग जो माइग्रेट हुए थे उनके लिए सुविधा के लिए रेस्टोरेंट चालू किया 1942 से आज तक। हम लोग का आज 82 ईयर्स हो गया, उसमें 25 साल नया जूना बिल्डिंग में, बाद में ये नया बिल्डिंग में 1966 में आ गया। 57 ईयर्स वी आर हियर इन दिस प्रीमाइसेस। और इधर तभी से पत्ते में खाना है, और दूसरा कॉमन आदमी के लिए है। देखो एयर कंडीशन बनाएगा तो क्यू में वेट करके जाने वाले लिए, लेकिन वी वांट टू सर्व कॉमन पीपल जो ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं, उनके लिए ये रेस्टोरेंट है। एक ज़माने में केवल बैचलर्स आते थे, अभी अच्छे अच्छे फैमिली भी अपने फैमिली को लेके इधर खाना खाने। So firstly, it was totally worth the hype and price. There was everything unlimited in just 275 rupees. What can you expect, yaar? And the staff is so nice. Like everyone was so nice. In short, my experience over there was great. If you want to know the address, नीचे description में जाके देख लेना. And video में तो मैंने सब कुछ अच्छे से समझा ही दिया है. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. तब तक के लिए, टाटा.